वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अनबॉक्सिंग लाया हूँ Realme Narzo 35G का। हमने Realme Narzo 30 का किया हुआ है, आपने वो अभी तक नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते गाइज। Realme 8 5G उसको नए कपड़े Realme वाले ने पहना दिए। ये Narzo 35G के नाम से आ गया। डिजाइन में ही चेंज है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। ऐसा क्यों कंपनी कर दिया पता नहीं चलता। और Narzo 30 है उसमें और इसमें भी इतना कोई डिफरेंस नहीं है। तो इतने एक जैसे फोन अलग अलग नाम से आ रहे हैं। लेकिन चलिए हम अब शुरू करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। हम जल्दी से सील को कर लेते ब्रेक और बाद में हम बॉक्स को खोल के देखते क्या है। तो हम अब बॉक्स खोल लेते हैं, तो अब देखते हैं अंदर क्या हमें देखने को मिलता है। आगे पहले हमें मिल जाता है एक सेक्शन लिखा है फील द पावर। देखते हैं इसमें कैसा है पावर। ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन, एक अच्छा सा केस मिल जाता है, ग्रे कलर में है थोड़ा सा। और आगे पहले रखा हुआ है फोन, हम निकाल लेते उसको बाहर। अंदर देखते हैं क्या है एक्सेसरीज में। इतनी बड़ी ब्रिक मिलती है गाइज, लेकिन 18 वॉट का ही चार्जर हमें मिलता है इसमें देखने को। और एक USB-C टाइप केबल। गाइज हम फोन को निकाल लेते हैं सील में से बाहर और हम प्रोटेक्शन को भी इसमें से कर लेते हैं रिमूव। तो ऐसा कुछ है फर्स्ट लुक। रियलमी वाले लुक्स अच्छे लाते हैं और डिज़ाइन भी हर बार नई और कुछ आपको ऐसे देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हो मेरे पास जो कलर है वो है रेसिंग ब्लू। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है डिज़ाइन। रियलमी Narzo 30 के जैसी है, लेकिन कैमरा बम थोड़ा सा डिफरेंट है। और रियलमी वाले की एक अच्छी बात है, हर बार थोड़ी नई डिज़ाइन होती है। और गाइज हम पॉट्स और बटन्स की बात करें तो आपको राइट साइड एक पावर अनलॉक बटन देखने को मिल जाते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। ऊपर की बात करें तो आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन नहीं मिलता। और लेफ्ट साइड की बात करें तो एक सिम ट्रे मिल जाती है और वॉल्यूम रोकर। नीचे की बात करें तो हेडफोन जैक, स्पीकर ग्रिल, USB पोर्ट और आपको मिल जाता है एक प्राइमरी माइक्रोफोन। और जो इसके साइड जो एजिस है वो थोड़ी सी बॉक्सी टाइप है, तो ऐसे ग्रिप आपको हैंड में अच्छी आएगी। हम जल्दी से फ़ोन को कर लेते स्टार्ट। जब तक फ़ोन स्टार्ट हो रहा तब तक मैं आपको एक बात बता दूँ। आप मेरे वीडियोस में व्यूज़ देते हो लेकिन बहुत कम देखते हो। आप एंड तक देखिए, आपको मज़ा आएगा। और आपको मज़ा अगर आए वीडियो देखने में तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, तो जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइज आप एंड तक देखिए, मैं आपको मैं फर्स्ट इंप्रेशंस देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ आपको ये फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं। और इसमें हम डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंचीज की आपको FHD प्लस 90Hz देखने को मिल जाती है, तो अच्छी डिस्प्ले। और Narzo 30 में भी यही डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। हम इसमें Realme 8 5G से डिफरेंसेस की बात कर ले तो वो है उसके लुक्स। इसमें आपको ये प्लेन, इसमें आपको ये डिज़ाइन मिलती है। Realme 8 5G में आपको प्लेन पीछे से ग्लॉसी लुक मिलता है। इसमें भी ग्लॉसी है लेकिन ये थोड़ी सी स्ट्रिप जो एक नई डिज़ाइन है वो है। और दूसरी जो इसमें सबसे अच्छी बात है, इसमें हमें 5G के 7 सपोर्टेड बैंड्स मिल जाते देखने को, तो वो एक अच्छी बात है। इतने हमें Realme 8 5G में नहीं देखने को मिलते। और इसकी प्राइस जो है वो है 15,999। और इसमें एक ही वेरियंट आता है 6GB रैम 128GB, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। 7 आपको बैंड्स इसमें सपोर्टेड मिल जाते ये प्राइस सेगमेंट। हम इसके इन एंड फील की बात करें तो बहुत ही कंफर्टेबल इन एंड फील है। स्क्रीन साइज प्रॉपर है, लेकिन Realme Narzo 30 से थोड़ा लाइट वेट आता है, तो इसलिए वो अच्छी बात लगी मुझे, थोड़ा सा लाइट वेट है। इसमें हम प्रोसेसर की बात करें तो इसमें MediaTek का Dimensity 700 लगा हुआ है, जो एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। लेकिन यही आपको Realme 8 5G में देखने को मिल जाता है, तो सेम प्रोसेसर मिलता है। अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है प्रोसेसर डिस्प्ले कोई भी मामले में। डिज़ाइन चेंज की है थोड़ी सी, बस उतना ही है डिफरेंस। और आपको ज़्यादा उससे 5G के बैंड्स मिल जाते देखने को। लेकिन इसमें जो प्रोसेसर Dimensity 700 लगा हुआ है, अच्छा प्रोसेसर है, आपको अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस रहेगा। हाईएस्ट सेटिंग पे भी आप अच्छे से खेल पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो अच्छा प्रोसेसर है। और इसमें OS की बात करें तो आपको Realme UI वर्जन 2 और Android 11 देखने को मिल जाते थे, एक अच्छा OS।
गाइस, इसमें एक मुझे जो अच्छी बात दिखी है वो है इसमें आप रैम एक्सपांड कर सकते हो। इसमें आपको 6 GB रैम मिलते हैं, लेकिन आप वर्चुअली रैम को 5 GB तक और एक्सपांड कर। इसमें हम कैमरा सेटअप की बात कर, जो आपको रियलमी नार्जो 13 मिलता है वही सेम कैमरा सेटअप है, लेकिन इसका प्लेसमेंट डिफरेंट है। और इसमें आपको ऐसा लगेगा 4 कैमरा लेकिन 3 ही कैमरा देखने को मिल जाते हैं। इसमें एक में ऊपर लिखा हुआ AI, लेकिन वो कैमरा नहीं है, खाली लिखा हुआ ही है वहाँ। इसमें आपको मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल 2+2 मेगापिक्सल मैक्रो डेप्थ आपको देखने को मिल जाते हैं, और आगे की साइड 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। मैं इसके बारे में फर्स्ट इम्प्रेशंस क्या, ये आपको लेना चाहिए कि नहीं, तो आप ये ले सकते हो। मैं आपको रियलमी नार्जो 30 से ये ज़्यादा सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इसमें प्रोसेसर उससे बहुत अच्छा आता है। आप इसमें बहुत अच्छे से हाई सेटिंग्स पे भी गेमिंग कर पाओगे, डेली यूजेज में भी आपको थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और 5G सपोर्टेड है, इसलिए आप 2-3 साल चला सकते हो, क्योंकि 5G आएगा साल के अंदर। और Realme 8 5G से ये, इसलिए मैं आपको इस उससे भी ये ज़्यादा सजेस्ट करूँगा, क्योंकि उसमें 4GB रैम और 64GB, 4GB रैम 128GB, और डायरेक्ट आपको बाद में मिलते हैं 8GB 128GB, जिसकी प्राइस 17,000 से भी अप जाती है। इसमें आपको एक ही वेरिएंट मिलता है 6GB रैम 128GB, जो उसकी प्राइस है 15,999, तो उससे आपको ये सस्ता भी पड़ेगा, तो ये अच्छी बात है। होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा। आप ऐसे ही आप इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, तो जब भी मैं एक वीडियो पोस्ट करूँ तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक लाइक कर दीजिए, और आपके कुछ भी सजेशंस हो, आपको कोई भी फोन्स के कुछ भी अनबॉक्सिंग चाहिए, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट में बताना ज़रूर।